तो ये बात तब की जब बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को अरेस्ट किया जा रहा था और उन दोनों एक महिला का नाम सामने आता है, दुर्गावती देवी, जिन्हें आप लोग इंडिया की पहली फीमेल स्पाई बोल सकते हैं। इन्होंने एक बार भगत सिंह जी की मदद की थी, वो भी अपनी और अपने बेटी की जान को खतरे में डाल के। वो इस हद तक अपने देश से प्यार करती थी। तो आज हम जानेंगे अग्नि ऑफ इंडिया की जाबाज कहानी। लेकिन इनकी कहानी जानने से पहले इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका जन्म अक्टूबर 1907 शहजादपुर प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित बांके बिहारी भट्ट था और जब दुर्गावती केवल 10 महीने की थी उनकी माँ गुजर गई थी, और जब वो केवल 10-11 साल की थी उनकी शादी 15 साल के भगवती चरण बोरा के साथ हो गई थी। भगवती चरण बोरा जी की फैमिली काफी पैसे वाली थी। इनके पिता शिव चरण बोरा एक सीनियर पोस्ट में थे रेलवे में, और दुर्गावती जी की पढ़ाई लिखाई भगवती चरण बोरा जी की फैमिली ने पूरी कराई थी। और बाद में दुर्गावती जी ने पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी और वो बाद में पढ़ाने भी लगी थी। कुछ समय बाद दुर्गावती देवी और भगवती चरण बोरा ने अपनी पढ़ाई नेशनल कॉलेज ऑफ लॉ से कंटिन्यू की। हमारी कॉलेज स्टैब्लिश किया था श्री लाला लाजपत राय जी ने, और वहीं पे इन दोनों लोगों की मुलाकात होती भगत सिंह जी से, चंद्रशेखर आजाद जी से, यशपाल जी से, सुखदेव जी से, राजगुरु जी से, और इन सब का केवल एक ही मकसद था, देश को आजादी दिलाना। और ये बाद में सब लोग एक साथ भगवती चरण बोरा जी के घर पे मीटिंग करने लगे थे। ये सब लोग एक बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे, और वहीं पे दुर्गावती देवी इन सब से जुड़ी, जिनका नाम पड़ चुका था दुर्गा भाभी। इनका काम था चुपचाप बिना किसी की नजरों में आए मैसेज इधर उधर करना, बॉम्ब्स के पार्ट सप्लाई करना, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना। और आगे चल के भगवती चरण बोरा जी ने इनको एक पिस्टल भी दी थी। उस समय ये सोच ही पाना बहुत मुश्किल था कि एक महिला ये काम कर सकती है जिसका एक छोटा बच्चा हो। उनके बच्चे का नाम था सचिनंद साइमन गोबैक। 1928 लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ एक नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट चल रहा था। जिसे श्री लाला लाजपत राय जी लीड कर रहे थे, लेकिन इस प्रोटेस्ट को रोकने की ब्रिटिश पुलिस ने लाठी चार्ज चालू कर दी। इसमें लाला लाजपत राय जी शहीद हो गए, जिसके बाद राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव जी ने जेम्स स्कॉट को मारने का प्लान बनाया, जिसने लाठी चार्ज को ऑर्डर दिया था, लेकिन उन्होंने गलती से सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सॉन्डर्स को मार दिया, जिसके बाद ब्रिटिश पुलिस हाई अलर्ट पे आ गई, और उनको वहां पे मौजूद आई विटनेस से ये पता चला सॉन्डर्स को गोली एक नौजवान सिख लड़के ने मारी, और तुरंत उस लड़के को पकड़ने के लिए ब्रिटिश पुलिस पूरा जोर लगाने लगी। और वहीं सुखदेव दुर्गा भाभी के पास गए, उन्होंने दुर्गा भाभी से कुछ रुपए मांगे लाहौर से बाहर जाने के लिए। तब तक भगत सिंह जी अपना पूरा रूप बदल चुके थे, और वो इतने बदल गए थे कि दुर्गा भाभी उनको पहचान नहीं पा रही थी कि वो आदमी कौन है। भगत सिंह जी को लाहौर से बाहर निकालने के लिए दुर्गा भाभी ने एक महंगी साड़ी पहनी और एक अमीर औरत बन गई, और भगत सिंह बने दुर्गा भाभी के पति, जिसने अपनी पढ़ाई लिखाई विदेश में की थी, और राजगुरु उनके नौकर बने थे। और इतना खतरा होने के बावजूद वो अपने बच्चे को अपने साथ ले गई थी कि उनपे किसी को शक ना हो कि वो पति पत्नी नहीं है। और उस समय भगत सिंह जी और सुखदेव जी के पास एक लोटेड गन थी, अगर कुछ गलत होता है तो वो भागने का प्लान था उनका। उस समय उनपे इतना खतरा था। दुर्गा भाभी और भगत सिंह जी ने फर्स्ट क्लास टिकट ली थी और वो ट्रेन में चढ़ गए। तभी उनको कुछ पुलिस वालों ने रोका और उनसे आइडेंटिटी कार्ड मांगा, लेकिन दुर्गा भाभी ने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल करके अपने बेटे को बहुत कस के पिंच किया, जिससे वो रोने लगा, और दुर्गा भाभी ने अपना रोता हुआ बच्चा अंग्रेज के हाथ में थमा दिया और आईडी कार्ड निकालने का नाटक करने लगी। उस अंग्रेज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस अंग्रेज ने उस रोते हुए बच्चे को वापस लौटाया और चला गया। उन्होंने अपना सफर जारी रखा, और फिर लाहौर से बाहर निकलने के बाद उन लोगों ने कानपुर में कोलकाता की एक ट्रेन पकड़ी, और फिर लखनऊ स्टेशन से भगवती चरण बोरा जी को एक टेलीग्राम भेजा, जो उस समय कोलकाता में थे, और फिर वही उनको कोलकाता में स्टेशन पे लेने आए थे। और फिर कुछ समय कोलकाता में बिताने के बाद दुर्गावती देवी वापस लाहौर लौट गईं। लेकिन कुछ दिनों बाद खबर आई कि असेंबली में बॉम्ब फेंकने की वजह से भगत सिंह और पटकेश्वर दत्त जी को जेल हो गई है, और उस समय राजगुरु और सुखदेव जी भी जेल में थे। फिर दुर्गावती जी और भगवती चरण बोरा जी और उनके साथियों ने भगत सिंह जी को जेल से बाहर निकालने का प्लान बनाया। उनका प्लान ये था कि जब भगत सिंह जी को जेल के बाहर ले जाया जा रहा होगा तो वो एक बॉम्ब फोड़ के भगत सिंह जी को आजाद करा लेंगे। और इसी बीच दुर्गा भाभी भगत सिंह जी से मिलने भी गई थी उनकी चाची बनके,
और भगवत चरण वोरा जी और उनके साथी लगे हुए थे बॉम्ब बनाने में, और बॉम्ब बन भी गया था। लेकिन जब भगवती चरण वोरा जी वो बॉम्ब टेस्ट करने गए नदी किनारे, वो बॉम्ब उनके हाथ में ही फट गया और उनकी वही मृत्यु हो गई। और ये दुर्गावती जी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उनके साथी वैसे भी कम हो रहे थे और अब उनके पति की भी मृत्यु हो गई। फिर वो कुछ दिनों तक अकेली ही रही, लेकिन ज्यादा दिनों के लिए नहीं। उन सब बागी फ्रीडम फाइटर्स को ये दिखाना था कि भले चाहे जितने लोगों को जेल में डाल लें, लेकिन ये आजादी की लड़ाई कभी नहीं रुकी। दुर्गावती देवी और उनके साथियों ने पंजाब के गवर्नर को मारने का प्लान बनाया, जिसका नाम था विलियम हेली। उस समय वो मुंबई में था, वो लोग उसको मुंबई मारने भी गए थे, लेकिन वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और जब ये सब लोग मुंबई में ही थे, 7 अक्टूबर 1930 भगत सिंह जी और उनके साथियों को फांसी की सजा सुना दी गई थी, और ये खबर इन सबको हजम नहीं हुई। 8 अक्टूबर 1930 दुर्गावती देवी और उनके साथियों ने सार्जेंट टेलर और उनकी पत्नी को गोली मार दी। वो सब एक गाड़ी में थे और उस गाड़ी से तुरंत बाहर निकल के भागे, लेकिन दुर्गा भाभी के साड़ी का थोड़ा सा टुकड़ा उस गाड़ी के गेट में फंसा रह गया। और उस समय ये पहली बार सामने आया था कि फ्रीडम फाइटर्स में एक महिला भी शामिल थी। फिर इस किस्से के बाद दुर्गा भाभी के पीछे भी बहुत सारी पुलिस पड़ गई, लेकिन उनको वो पकड़ नहीं पा रही थी। दुर्गा भाभी ने काफी सारे रूप बदले, काफी सारी जगह बदली थी, लेकिन फिर आखिर में परेशान हो गई, उन्होंने सरेंडर कर दिया, क्योंकि ना ही अंग्रेज उनको पकड़ पा रहे थे और ना ही वो आराम से जी पा रही थी। और फिर उनको 3 साल की जेल की सजा भी हुई और एविडेंस की कमी होने की वजह से उनको छोड़ भी दिया गया। और फिर आगे चल के उन्होंने लखनऊ में एक स्कूल भी खोला, क्योंकि उनका मानना था कि आजाद भारत को पढ़े लिखे युवक ही आगे बढ़ा सकते हैं।